हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। तो कल जो है आपका बाल विकास का करवा दिए थे और आज जो है आपका पर्यावरण अध्ययन का 30 क्वेश्चन करवा रहे हैं। ये 2021 का पूछा हुआ प्रीवियस ईयर सेट है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है? तो संघ शासित प्रदेश नहीं है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन आपका है लद्दाख, दूसरा ऑप्शन है जम्मू और कश्मीर, तीसरा ऑप्शन है मणिपुर और चौथा ऑप्शन है चंडीगढ़। तो इसमें आपको संघ शासित प्रदेश कौन कौन हो जाएगा? संघ शासित प्रदेश लद्दाख हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा, चंडीगढ़ हो जाएगा। तो ये तीनों आपका क्या है? संघ शासित प्रदेश है। लेकिन आपको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा संघ शासित प्रदेश नहीं है। तो संघ शासित प्रदेश कौन सा नहीं है, तो इसमें आपका मणिपुर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो कच्चे तेल का उत्पादक कौन सा हो जाएगा? ये आपका तीनों तो है, उसके बाद कच्चे तेल का उत्पादक आपका हो जाएगा गुजरात और तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात और तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था? तो ड्राफ्टिंग किसके नेतृत्व में किया गया था संविधान, तो उसके बारे में बताना है। तो पहला ऑप्शन है आपका मोहनदास करमचंद गांधी, दूसरा ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और चौथा ऑप्शन है सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन। तो हमारे देश का संविधान जो है निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में हमारा संविधान बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधे के लिए किए जाने वाले निम्नलिखित में से कार्यों पर विचार कीजिए। पौधों के लिए किए जाने वाले निम्नलिखित में से कार्यों पर विचार कीजिए। तो पहला ऑप्शन है आपका पौधे को सहारा देना। पौधे क्या कर सकता है? पौधा को सहारा सही है, ह्यूमस प्रदान करना, ये तो नहीं होगा, पौधा ह्यूमस प्रदान थोड़ा करेगा। उसके बाद है भोजन संचित भंडारण करना, तो ये भी हो जाएगा आपका, पौधा संचरण भोजन का भी संचित करेगा। उसके बाद है पानी और खनिज लवण अवशोषित करना, ये भी आपका पौधा करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए सी डी। तो ए सी डी किस में है? ऑप्शन चार में ए सी डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सी डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोचम पल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और एक विशेष प्रकार की बुनाई जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब राज्य के किस भाग में है? तो ये बताना है आपको। तो पहला ऑप्शन है कर्नाटका, दूसरा ऑप्शन है केरल, तीसरा ऑप्शन है तेलंगाना और चौथा ऑप्शन है तमिलनाडु। तो पोचमपल्ली जो है कहाँ पड़ेगा ये आपको बताना है। तो पोचमपल्ली जो है आपका कहाँ पड़ता है? तो पोचमपल्ली आपका कहाँ पड़ता है? पोचमपल्ली आपका पड़ता है तेलंगाना में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तेलंगाना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थियों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लोह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। तो पहला ऑप्शन है गुड़ आंवला टमाटर, दूसरा ऑप्शन है आंवला पालक गुड़, तीसरा ऑप्शन है आंवला बंद गोभी टमाटर और चौथा ऑप्शन है बंद गोभी आंवला पालक। तो इसका राइट आंसर कमेंट करना है कि इसमें किस में लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाएगा। तो लोहा आपका प्रचुर मात्रा में पाया जाएगा आंवला पालक गुर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंवला पालक गुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में चार गुनी अधिक दूरी की वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने योग्य है। तो पहला ऑप्शन है फाख्ता कौवा मोर, उसके बाद है बाज कबूतर तोता, उसके बाद है कौवा चील बुलबुल और चौथा ऑप्शन है बाज चील गिद्ध। तो मनुष्य की तुलना में चार गुना कौन देखेगा? मनुष्य की तुलना में आपका बाज चील और गिद्ध देखेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन चार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए किस एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं? तो पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा ऑप्शन है लद्दाख, तीसरा ऑप्शन है असम और चौथा ऑप्शन है उड़ीसा। तो इसमें आपको राइट आंसर कमेंट करना है कि किस राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? असम के लोग जो है बांस पे घर बनाता है। तो इसका राइट आंसर आपका असम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर गुजरात की राजधानी और पटना बिहार की राजधानी की दिशाएं क्रमशः।
तो आपका भारत का नक्शा देख लीजिएगा। तो भारत का नक्शा बना के यहाँ उतना स्पेस तो नहीं है, नहीं मोबाइल पे बन पा रहा। तो यहाँ पे मान लीजिए आपका दिल्ली हो गया, यहाँ पे आपका गांधीनगर गुजरात हो गया, इधर मान लीजिए आप पटना हो गया। तो मैप में हमेशा ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है और इधर वेस्ट होता है। तो यहाँ मान लीजिए दिल्ली है, तो दिल्ली के सापेक्ष किधर हो जाएगा गांधीनगर, या वो हो जाएगा आपका वेस्ट साउथ यानी कि दक्षिण पश्चिम, और ये आपका किधर हो जाएगा वेस्ट ईस्ट, पटना हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन दो हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने मोटर के पौधों के साथ प्रयोग किए यह पाया कि मोटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदुरे, लंबे या बौने, पीले या हरे आदि। तो पहला ऑप्शन है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, दूसरा ऑप्शन है ग्रोगर जॉहन मेंडल, तीसरा ऑप्शन है जॉर्ज मेस्ट्रल और चौथा ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो मटर के पौधे पे कौन अपना एक्सपेरिमेंट किया था, जॉर्ज जॉर्ज मेंडल किया था, ग्रोगर जॉहन मेंडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है। तो पहला ऑप्शन है पदार्थ, दूसरा ऑप्शन है प्राकृतिक संसाधन, तीसरा ऑप्शन है चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, और चौथा ऑप्शन है चीज़ें कैसे काम करती है। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाव दिए गए 6 विषयों में से एक कौन है, तो इसमें से एक था कि ये आपका चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन थ्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, दूसरा ऑप्शन है निर्णय वाले कथन को लिखना, उसके बाद है मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान करना, उसके बाद है बच्चों की रुचियों और संबंधों आदि की पहचान करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, ये तो सही हो जाएगा। उसके बाद है कि निर्णय वाले कथनों को लिखना, ये नहीं होगा। उसके बाद है मजबूतियों और मजबूरियों की पहचान करना, ये भी सही हो जाएगा आपका। बच्चों की रुचि और संबंधों आदि की पहचान करना, ये भी सही हो जाएगा। तो ए सी डी किस में है, ए सी डी आपका ऑप्शन चार में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे। तो पहला ऑप्शन है एक पाठ में दो या अधिक विषयों क्षेत्रों को मिलाएंगे, दूसरा ऑप्शन है अलग योजनाएं में सभी विषयों को अलग करेंगे, तीसरा है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अध्यापकों का प्रबंध करेंगे, और चौथा है पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापक प्रबंधन करेंगे। तो आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे। तो एकीकृत के लिए कैसा योजना बनाएंगे, एक पाठ में दो या दो से अधिक विषयों क्षेत्र को मिला देंगे, यही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुनीत ने अपने कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र बनाने को कहा, पुनीत चाहता है। तो पहला ऑप्शन है परीक्षण करना कि शिक्षार्थी नामांकित आरेख बना सकता है, दूसरा ऑप्शन है पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना, उसके बाद है अच्छे ड्राइंग कौशल वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना, उसके बाद है पाचन की प्रक्रिया पर शिक्षार्थियों का मूल्यांकन करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आप बताइएगा कि पुनीत अपने कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय में पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने के लिए कहा, तो पुनीत क्या चाहता है। तो पुनीत चाहता है कि किसका ड्राइंग अच्छा है वैसे विद्यार्थी को पहचान करना, तो अच्छे ड्राइंग कौशलों वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में नहीं है। तो पहला ऑप्शन है रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी चाहिए, उसके बाद है अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए यह अध्यापक को समय पर कार्यवाही करने में मदद करता है, उसके बाद है इसको छात्रों के प्रगति की निगरानी करनी है, उसके बाद है बच्चे के सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती है। तो निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के लिए सही संबंध नहीं है, तो सही नहीं है ये आपको बताना है।
तो नहीं क्या हो जाएगा आपका? नहीं हो जाएगा। बच्चे के सीखने के लिए कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन मदद कर सकती है। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, क्या कि क्वेश्चन में आपका नहीं दिया हुआ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अस्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। अस्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? तो पहला ऑप्शन है रूढ़िवादी मॉडलों के छात्रों को प्रस्तुत करें, उसके बाद है विभिन्न प्रकार के कार्यों के फ्लैश कार्ड दिखाएं, उसके बाद है केवल लड़कों को प्रतिदिन कक्षा को साफ करने को कहें, उसके बाद है एक छात्र की माँ को कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो चालक है। तो रूढ़िवादी छवि संवेदनाशील करनी चाहती है, तो ये क्या करेगी? तो ये एक छात्र के माँ को मतलब आमंत्रित करेगा क्लास में जो ऑटो चालक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन चार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 5 के समयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते हैं, मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है। पहला ऑप्शन है उसकी कठिनाइयों का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें, उसके बाद है किसी दूसरे बच्चे को उसकी कक्षा के कार्य को पूरा करने में मदद करें, उसके बाद है माता पिता से बात करें और उन्हें सलाह दें, उसके बाद है उसे वैकल्पिक और आसान गृह कार्य दें। तो कक्षा 5 के समय आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा के कार्य नहीं करते हैं, मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय क्या हो सकता है? तो सबसे अच्छा उपाय होगा कि उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है? तो पहला ऑप्शन है वह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है, उसके बाद है यह छात्रों के विचारों को जानने और उन्हें सही करने में मदद करेगा, उसके बाद है वह आधुनिक वाहनों के उपयोग के लाभों पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है, उसके बाद है यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोण की सराहना करने में मदद करना चाहती है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कि मुस्कान ने परिवहन डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद आयोजन करती है। तो मुस्कान इस विषय द्वारा वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य यही है कि पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईवीएस में मानचित्रण कौशल क्या है? तो लैंडस्केप खींचने के लिए कौशल को विकसित करता है, पूर्वानुमान और गणना के कौशल को विकसित करता है, उसके बाद रिकॉर्डिंग कौशल को विकसित करता है, उसके बाद है स्थानों के सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। तो ईवीएस मानचित्र कौशल का क्या अर्थ है यह आपको बताना है। तो ईवीएस मानचित्र अर्थ का है कि पूर्वानुमान और गणना के कौशल को विकसित करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है, पाठ्यचर्चा के भार को कम करने और विशिष्ट उपकरणों को पेश करने में, पाठ्यचर्चा के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थक पूर्वक सिखाने में, उसके बाद है शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं की अधिक संख्या में परिचय देना, उसके बाद है दी गई सूचनाओं और विवरणों से सीखने में। तो ईवीएस एकीकृत प्रकृति सहायक है, तो ईवीएस एकीकृत प्रकृति किस में सहायक होगा? तो ईवीएस एकीकृत प्रकृति सहायक होगा शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं की अधिक संख्या में परिचय देने में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है? तो निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है? तो पहला ऑप्शन है सहयोग, दूसरा ऑप्शन है न्याय के प्रति सरोकार, तीसरा ऑप्शन है समानता के प्रति सरोकार और चौथा ऑप्शन है अवधारणा मानचित्रण। तो निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है? तो इसका राइट आंसर कमेंट कीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा अवधारणा मानचित्रण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवधारणा मानचित्रण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के
निर्माण में अलबुर्नी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 में ईबीएस के पाठ्य पुस्तक में एक अनुच्छेद है, इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य होगा? तो पहला ऑप्शन है आपका, यह इतिहास के स्रोतों की पहचान करने और शिक्षार्थियों को मदद करता है, तो सही हो जाएगा। उसके बाद है, यह शिक्षार्थियों को उनके अवलोकनों की रिकॉर्डिंग में सुधार करने में मदद करता है, ये भी सही हो जाएगा। यह शिक्षार्थियों को कुछ हज़ार वर्ष साल पहले भारत में मौजूद तकनीकों की सराहना करने में मदद करता है, यह भी सही हो जाएगा। उसके बाद है, यह शिक्षार्थियों को इतिहास के साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद करता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए बी सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपने कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि से जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने की अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हो। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्यों के लिए ठीक होगा? तो पहला ऑप्शन है, कौशल के प्रदर्शन के लिए समुदाय से संदर्भ आदमियों का व्यक्तियों का आमंत्रण करना। उसके बाद है, समूह चर्चा को प्रोत्साहन करना। उसके बाद उचित ए बी साधन के लिए स्मार्ट कक्ष का उपयोग करना। उसके बाद है, नज़दीक स्थानों के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि से जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ावा के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हो। निम्नलिखित में से क्रियाकलाप उपयुक्त कार्य के लिए ठीक होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, नज़दीक के स्थान के लिए भ्रमण का आयोजन करना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईबीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है, तो इकरा क्या करना चाहती है ये आपको बताना है। तो ये है, ये मनोरंजक संसाधन उपलब्ध है, ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं। उसके बाद है, ये शिक्षार्थियों को स्वतंत्र बनाने में सहायता करते हैं। उसके बाद है, ये शिक्षार्थियों को प्रतिस्पर्धी बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर बताना है कि इकरा अपने विद्यार्थियों को इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईबीएस में समाचार पत्र और पत्रिकाओं को पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करती है, तो ये क्या करना चाहती है? ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न पूछने की एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है, अनुशासन को बनाए रखने के लिए। उसके बाद है, अध्ययन खींचने के लिए, ध्यान खींचने के लिए। उसके बाद है, नियमों का पालन को बढ़ावा देने के लिए। उसके बाद है, कक्षा कक्ष में जिज्ञासा बढ़ाने के लिए। तो पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने के लिए एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है, तो पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न पूछने के लिए एक युक्ति के रूप में क्या प्रयोग करेगा ये आपको बताना है। तो कक्ष कक्षा में जिज्ञासा बढ़ाने के लिए प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए कौन सा एक राज्य में तुरंग का अर्थ जंगल है? तो तुरंग का अर्थ जंगल कहाँ है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन असम है, दूसरा ऑप्शन उड़ीसा है, तीसरा ऑप्शन मिजोरम है और चौथा ऑप्शन झारखंड है। तो तुरंग का अर्थ जो है जंगल आपका झारखंड में होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों के छत्तों के विषय में सही नहीं है? तो छत्तों के विषय में कौन सा सही नहीं है यह आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है, प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, सही है। उसके बाद है, नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, ये भी सही हो जाएगा। उसके बाद है, छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ होती है, ये भी सही हो जाएगा। उसके बाद है, छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती है, ये गलत हो जाएगा। छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ थोड़ा होता है, नर और मादा दोनों मक्खियाँ होता है। तो नीचे दिए गए कौन सा कथन मधुमक्खियों के छत्तों के विषय में नहीं है? तो नहीं पूछ रहा है, तो नहीं कौन सा होगा आपका? ऑप्शन 4 हो जाएगा, छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियां होती है, यही नहीं हो जाएगा। बाद बाकी तो आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे, तो कहाँ के व्यापारी लाए थे? तो पहला ऑप्शन है अफगानिस्तान से, दूसरा ऑप्शन इंग्लैंड, तीसरा ऑप्शन है दक्षिणी अमेरिका और चौथा ऑप्शन है दक्षिणी अफ्रीका। तो मिर्ची जो है कहाँ के व्यापारी लाए थे ये आपको बताना है। तो मिर्ची जो है आपका दक्षिण अमेरिका के व्यापारी लाए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और नए लोग हैं तो
सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।